hello students welcome to online classes hr imperial public school at this time you are listening your english teacher sibba and how are you all students i hope you will be fine at your home and doing your study very well so once again i am here to teach you english grammar whose title is pronoun replacing word whose title is pronoun replacing word

रिप्लेसिंग वर्ड्स कैसा ऐसा वर्ड्स है रिप्लेसिंग वर्ड्स वे वर्ड्स हैं जिनका यूज़ नाउन की जगह पर किया जाता है वे क्या कहलाते हैं प्रोनाउन या रिप्लेसिंग वर्ड कहलाते हैं ओके एज फॉर एग्जाम्पल ही सी वी आई यू दे एट एक्सेट्रा सो यू कैन सी हेयर नाउ द सम पॉइंट रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड लर्न हाउ टू यूज़ दी प्रोनाउंस इट मीन्स डैट यहाँ पर जो सेंटेंस दिए गए हैं उसे आपको पढ़ना है और प्रोनाउन का यूज़ कैसे होता है यह आपको सीखना है ओके सो आई ही सी इट दे यू एंड वी इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होगा और कैसे यूज़ होगा यह आपको सीखना है सो द फर्स्ट वन इज़ आई एम रोशनी आई एम रोशनी इट मीन्स यहाँ पे जो आई है आपका ये क्या है ये आपका प्रोनाउन है आई जो है आपका क्या है प्रोनाउन है एंड आई के साथ एंड आई के साथ ऑलवेज एम का यूज़ होता है आई के साथ ऑलवेज यहाँ पे एम का यूज़ होता है ओके सो नाउ द नेक्स्ट आई एम अ आई एम अउस वाइफ आई एम अ हाउस वाइफ इट मीन्स दैट यहाँ पे जो आई है आपका ये आपका क्या है प्रोनाउन है ओके विनायक के साथ हमेशा सा, एम का यूज होता है सो द नेक्स्ट वन आई लिव इन मुंबई आई लिव इन मुंबई यहाँ पे आपका आई क्या है आई एक प्रोनाउन है सो द नेक्स्ट वन आई एम आई एम एन इंडियन आई एम एन इंडियन सो आपका जो आई है यहाँ पे कौन सा ये आपका आई जो यहाँ पे है ये आपका प्रोनाउन है एंड आई के साथ ऑलवेज आपका क्या यूज होता है एम का यूज होता है ओके नाउ द नेक्स्ट ही इज सचिन पॉल ही इज सचिन पॉल ही आपका क्या है यहाँ पे यहाँ आपका ही जो है प्रोनाउन है एंड ही के साथ ऑलवेज आपका क्या यूज होता है इज का यूज होता है ही के साथ ऑलवेज ईज का यूज होता है ओके सो नाओवन ही इज अ बिजनेस मैन ही इज अ बिजनेस मैन वह एक क्या है बिजनेस मैन है सो so, ही क्या है आपका यहाँ पे ही एक प्रोनाउन है ओके एंड ही के साथ क्या यूज़ होता है ही के साथ ऑलवेज ईज का यूज होता है यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर ही के साथ आपका एज का यूज होगा ओके okay? सोनाओ तनेक्शवन ही इज़ एन इंडियन ही इज़ एन इंडियन वह एक इंडियन है सो so, यहाँ पर आपका ही क्या है प्रोनाउन है एंड ही के साथ आपका क्या यूज होगा हमेशा इसका यूज होगा ओके सोनाओ तनेक्शवन ही ऑलवेज हेल्प्स दुअर ही ऑलवेज हेल्प्स दुअर यहाँ पे आपका ही क्या है प्रोनाउन है ओके okay? so he he सोनाओ द नेक्स्ट वन सी इज प्रिया सी इज प्रिया व प्रिया है एंड सी आपका क्या है सी आपका यहाँ पे एक प्रोनाउन है ओके एंड सी के साथ ऑलवेज हमेशा ऑलवेज एज का यूज होगा सी के साथ आपका एज का यूज होगा ओके सो नाओ द नेक्स्ट वन सी इज अस्टूडेंट सी इज अस्टूडेंट व एक स्टूडेंट है सो so, यहाँ पे आपका सी क्या है प्रोनाउन है एंड सी के साथ ऑलवेज किस चीज का यूज होगा इज़ का यूज होगा ओके नाउ सी सी स्टडीज़ स्टडीज़ इन इन क्लास फर्स्ट. सी इन क्लास फर्स्ट फर्स्ट सो यहाँ पे आपका सी क्या है सी ए प्रोनाउन है ओके सो द नेक्स्ट सी लिव्स इन दिल्ली सी लिव्स इन दिल्ली यहाँ पे आपका सी क्या है प्रोनाउन है ओके okay? सी आपका प्रोनाउन है सो द नेक्स्ट वन इट इज अ डॉग इट इज अ डॉग इट इज अ डॉग एंड आपका इट यहाँ पे क्या है इट एक प्रोनाउन है एंड इट के साथ हमेशा किस चीज़ का यूज होगा इज का यूज होगा ओके okay? हमेशा इज़ का यूज होगा सो द नेक्स्ट इट इज ऑफ ब्राउन कलर इट इज ऑफ ब्राउन कलर ये जो डॉग है किस कलर का है ब्राउन कलर का है इट इज ऑफ ब्राउन कलर सो ये जो डॉग है आपका ये ब्राउन कलर का है एंड इट जो है सेंटेंस में जो इट का यूज है यह आपका क्या है यह एक प्रोनाउन है ओके सो नाउ नेक्स्ट इट हैज़ फोर लेग्स इट हैज़ फोर लेग्स ये जो डॉग है इसके पास फोर लेग है चार पैर हैं फोर लेक्स है सो so, आपका इट जो है यहाँ पे क्या है एक प्रोनाउन है ओके सो नाउ द नेक्स्ट इट इट अ नाइट एट नाइट आपका इट यहाँ पे क्या है एक प्रोनाउन है ओके यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर इट जो है आपका प्रोनाउन है इट के साथ किस चीज का यूज होता है हमेशा इज का यूज होता है सो so सुनाओ नेक्स्ट दे आर रमेश एंड दे आर रमेश एंड राजेश आर रमेश एंड राजेश वे रामेश और राजेश है ये जो है क्या है रमेश और राजेश हैं सो यहाँ जो दे है ये आपका क्या है एक प्रोनाउन है एंड दे के साथ किस चा यूज होता है दे के साथ हमेशा सा आर का यूज़ होता है यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दे के साथ आर का यूज होता है ओके सो नाओ द नेक्स्ट दे आर फ्रेंड्स दे आर फ्रेंड्स वे लोग क्या है फ्रेंड्स हैं वे लोग फ्रेंड्स हैं यू कैन सी दिक्चर वे लोग फ्रेंड्स हैं सो दे आपका क्या है यहाँ पे दे आपका प्रो प्रोनाउन है ओके सो नाओ दे प्ले टूगेदर दे प्ले टूगेदर वे लोग साथ खेलते हैं दे प्ले टुगेदर सो दे आपका क्या है यहाँ पे दे एक प्रोनाउन है सो नाउ नेक्स्ट दे आर गुड स्टूडेंट्स दे आर गुड स्टूडेंट्स सो वे लोग एक अच्छे स्टूडेंट्स हैं सो so, दे आपका क्या है दे एक प्रोनाउन है सो नाउ नेक्स्ट यू आर अ चाइल्ड यू आर अ चाइल्ड तुम एक चिल्ड्रेन हो चाइल्ड हो बच्चा हो so, सो आपका जो यू है यहाँ पे क्या है एक प्रोनाउन है और यू के साथ हमेशा किस चीज का यूज होता है आर का यूज होता है ओके सो नेक्स्ट नेक्स्ट यू गो टू स्कूल यू गो टू स्कूल तुम स्कूल जाते हो यू गो टू स्कूल एंड यू आपका क्या है यहाँ पे यू एक प्रोनाउन है सो द नेक्स्ट नाउ नेक्स्ट

र आ यूनिफॉर्म यू वीअर आ यूनिफॉर्म तुम एक यूनिफॉर्म पहनते हो तुम एक यूनिफॉर्म पहने हो सो so, आपका यू जो है यहाँ पर क्या है एक प्रोनाउन है ओके यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर यू जो है आपका प्रोनाउन है एंड यू के साथ आपका क्या यूज़ होता है आर के यूज़ होता है सो नाओ ना नेक्स्ट वी आर फ्रेंड्स वी आर फ्रेंड्स यू कैन सी दिक्चर वी आर फ्रेंड्स हम लोग फ्रेंड्स हैं हम लोग फ्रेंड्स हैं एंड वी आपका क्या है यहाँ पे एक प्रोनाउन है एंड वी के साथ हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं वी के साथ आर का यूज़ होता है यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर वी के साथ हमेशा आर का यूज़ होता है ओके सो सोनाओ नेक्स्ट वी आर स्टूडेंट्स हम लोग क्या हैं स्टूडेंट्स हैं हम लोग स्टूडेंट्स हैं सो वी आपका क्या है वी आपका एक प्रोनाउन है एंड वी के साथ ऑलवेज आर का यूज होता है सो नाओ नेक्स्ट वन वी लिव इन कर्नाटका वी लिव इन कर्नाटका सो हम लोग कर्नाटका में रहते हैं सो so, वी जो है आपका क्या है वी एक प्रोनाउन है सो नाउ द लास्ट वी लव टू ईट पिज़्ज़ा वी लव टू ईट पिज़्ज़ा हम लोग को हमें क्या हमें पिज़्ज़ा खाना पसंद है हम लोग को पिज़्ज़ा खाना बहुत पसंद है सो so, वी आपका क्या है यहाँ पे वी एक प्रोनाउन है सो नाउ द नेक्स्ट नाउ द नेक्स्ट नाउ फैक्ट फाइल एंड समरी द फर्स्ट पॉइंट एम इज़ ऑलवेज यूज विथ आई इट मीन्स दैट एम का यूज़ हमेशा आई के साथ किया जाता है एम का यूज़ किसके साथ किया जाता है हमेशा आई के साथ किया जाता है ओके सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इज़ यूज विथ ही सी एंड इट इट मीन्स दैट इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम इसका यूज़ हम ही सी इट के साथ करते हैं ओके okay?